नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे ज्योतिष दिशा सत्य की राह। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मंगल शुक्र की युति होने जा रही है 17 अगस्त से। शुक्र अभी कर्क में है, 17 अगस्त को सिंह में आएंगे, जहां पर पहले से ही मंगल विद्यमान है सिंह राशि में। मंगल शुक्र की युति प्रथम दृष्टया किसी भी एंगल से सकारात्मक नहीं होती है। शुक्र बेहद सौम्य है, मंगल बेहद क्रूर है। मंगल आग है, शुक्र एक तरह से फूल है। सिंह राशि ऑलरेडी एक अग्नि तत्व की राशि है, तो यहां पर मंगल तो बहुत बमबम स्थिति में है। जैसा कि हमने पहले के कार्यक्रम में फल बताया था कि मंगल का सिंहस्थ दौरा कैसे हर किसी के लिए सकारात्मक है, लेकिन शुक्र के प्रभाव को भी समझना अब बहुत जरूरी है। शुक्र का प्रभाव आपके लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं होगा। सिंहस्थ शुक्र जो मंगल के साथ जुड़ जाएगा, ये ठीक नहीं है। ये कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। ये पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। इस शुक्र का प्रभाव पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। इस शुक्र के प्रभाव के कारण हर राशि पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, खास तौर पे कुंवारे लड़की और लड़कियों के लिए। इसी प्रभाव के अंतर्गत सेक्सुअली भी लोग ओवर अट्रैक्ट हो सकते हैं। आगाह कर रहे हैं, कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए शुक्र मंगल का सिंहस्थ युति ठीक नहीं है। चलिए मेष से लेकर के मीन तक इसका फल हम बता देते हैं। मेष राशि वालों के लिए पढ़ाई में रुकावट, मानसिक परेशानी, अकस्मात समस्या, शारीरिक पेट की दिक्कत बढ़ सकती है। मंगल शुक्र की युति। वृषभ राशि, ब्रेकअप की संभावना, अननेसेसरी तनाव, खीझ, परेशानी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अनावश्यक लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा संभावित है। आपके लिए लव लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगा ये मंगल शुक्र की युति। कर्क राशि, सो रहेगा, थोड़ा सा अगर वाणी पर संयम रख लिए तो बहुत ज्यादा मामला बिगड़ने नहीं पाएगा। व्यक्तिगत मामलों में कुछ आर्थिक क्षति दे सकता है, कुछ शारीरिक कष्ट दे सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से संभालेगा। सिंह राशि, आपके लिए मामला फिर भी ठीक है। नई नौकरी की संभावनाएं बन सकती हैं, मानसिक मजबूती मिलेगी, कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, अधूरेपन से बाहर निकलेंगे। कन्या राशि, स्थितियां टफ रहेंगी, कोई बाहरी व्यक्ति प्रबलता से चीट कर सकता है, सावधान रहिएगा। तुला राशि, लाभ के अवसर बढ़ेंगे। ऐसी स्त्रियां जो गर्भवती हैं, मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ रहा है, संभालिएगा, संभालना अनिवार्य रहेगा 9 सितंबर तक। शुक्र मंगल तो और लंबा रहेगा, लेकिन शुक्र 17 से 9 सितंबर तक रहेगा। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई छुएंगे आप। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति भावनात्मक रूप से थोड़ा सा परेशान करेगा, अदरवाइज ऊंचाई देने ही जा रहा है। किसी ऐसी स्थिति में आप अपने आप को मजबूत पाएंगे जो आप बहुत पहले से ही पाए थे, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 17 अगस्त से 9 सितंबर तक
धनुराशि, मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली के नवम स्थान पर पूजा पाठ धर्म कर्म से एकदम से विमुख कर सकता है। मानसिक उद्वेग आ सकता है, किसी बुजुर्ग का घर में देहावसान हो सकता है, स्पेशली महिला और कुंवारी कन्याओं के लिए तो हमने आगाह किया ही है, वो सबके लिए, चाहे मेष हो चाहे मीन हो, सबके लिए है। मकर राशि, स्थिति अष्टम भाव में बन रही है, अकस्मात धन प्राप्ति की संभावनाएं, धन लाभ के संकेत, कुछ बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़ा बड़ी प्राप्ति, इसकी भी संभावना है। कुंभ राशि, लाभ के नए अवसर बनेंगे, दांपत्य जीवन सुचारू ढंग से चलने लगेगा, आ रही बाधा समस्या को ये दूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सौम्यता लाएंगे शुक्र पंच सप्तम भाव में। और मीन राशि, गुप्त दुश्मन दबेंगे और उनसे बाहर निकलने में कोई महिला मित्र मदद करेगी। मित्रों, ये योग खास तौर पर कुंवारे लोगों के लिए हमने इसलिए बताया है क्योंकि किसी से भी नज़दीकी अचानक से एक्सीडेंटली दुर्घटनात्मक रूप से हो जाना ठीक नहीं है। कोई 10 मिनट के लिए मिला और आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं। 9 सितंबर तक संभलें और संभालें, इसके बाद तो प्लैनेट है, माता रानी है। क्या उपाय करना चाहिए? एक छोटा सा प्रयोग, तब तक हर शुक्रवार को दूध मिश्री मिला करके किसी पौधे के नीचे रख कर प्रणाम कर लिया करिएगा, केवल फ्राइडे फ्राइडे, रोज कर ले, सोने पे सुहागा, मर्जी आपकी। वैसे मेरी तरफ से शुक्रवार शुक्रवार करना भी बहुत सकारात्मक रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोग के इस प्यार के लिए, मोहब्बत बना के रखिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।